बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ कॉन्सेप्ट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये क्या है अकाउंटिंग के अंदर, और ये बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है असल में अकाउंटिंग का, कि जो हम ट्रांजैक्शंस कुछ को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कुछ को हम नहीं करते। यानी इवन कुछ आइटम ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिज़नेस के अंदर हैं, ऑपरेशनल भी हैं, काम भी कर रही हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होती, कुछ रिकॉर्ड हो रही हैं। अब वो जो रिकॉर्ड हो रही हैं वो क्यों होती हैं और बाकी जिनको हम स्किप कर देते हैं वो ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली अकाउंटिंग जो कि हम जिस अकाउंटिंग में बात करें वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअली इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है रिकॉर्डिंग का वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि अकाउंटिंग में हर वो आइटम रिकॉर्ड होगा जिसको मॉनिटेरली एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसको पैसे की शक्ल में आप एक्सप्रेस कर सकते हो वो रिकॉर्ड होगा, जिसको आप पैसे की शक्ल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। यानी क्वांटिटी की शक्ल में इसमें आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई चीज़ नहीं देखेंगे। इसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो इन टर्म ऑफ मनी है, रुपीज़, डॉलर, स्टर्लिंग, पाउंड्स, कुछ भी इस तरह का कोई भी आपकी करेंसी है उसके अंदर जो है वो जाके रिकॉर्ड होना है, जो भी वो अपना बिजनेस जो है वो जिस तरह वो डील कर रहे हैं। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये है कि यानी जो भी आइटम आप अपने बिजनेस पे लेके जा रहे हो उसके अंदर अब वो रिकॉर्ड इस तरह होगा कि वो उसका पैसे की शक्ल में होना ज़रूरी है। अब इसमें जो बेसिक जो इसका डेफिनेशन है वो यही है कि इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, दैट एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी इज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, एंड विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। वेरी सिंपल इज दैट, ये तो इसका डेफिनेशन है। अब एक क्वेश्चन है कि डू वी रिकॉर्ड द एसेट्स एंड रिसोर्सेज इन बिजनेस, द आंसर इज़ नो और येस। द आंसर इज़ येस, कि हम ऑब्वियसली जो है एसेट्स हैं हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। द आंसर इज़ येस। देन वाई डोंट वी रिकॉर्ड द लेबर इन बिजनेस, ये जो लेबर होती है जो कि सबसे बड़ा रिसोर्स। अब यहाँ एक सवाल होता है कि डू यू थिंक दैट लेबर इज़ अ रिसोर्स आर नॉट, द आंसर इज़ येस। एंड डू वी रिकॉर्ड द रिसोर्सेज, द आंसर इज़ येस। देन वाई वी आर नॉट रिकॉर्डिंग द रिसोर्स दैट वी आर जस्ट मैंशनिंग लेबर, वो हम क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज एसेट्स हैं, रिकॉर्ड होते हैं, येस। लेबर जो है वो क्या रिसोर्स है, अब उसका आंसर नो तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली वो रिसोर्स है, यूटिलाइज हो रहा है, उसे यूज़ है उसका, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो जब इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है। एक्चुअली लेबर जो है ये मैन पावर है, इसकी एक्चुअली सैलरीज होती है, इसकी सर्विसेज ली जाती हैं जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। और लेबर इटसेल्फ जो है ऑब्वियसली रिसोर्स है, लेकिन इसको मॉनेटरीली आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी बंदे को, किसी पर्सन को, किसी मैनेजर को, तो ये आपके इस तरह के रिसोर्स नहीं है कि इनको जो है वो मॉनेटरीली एक्सप्रेस किया जा सके। दैट्स वाई कि ये रिसोर्स तो हैं लेकिन ये मॉनेटरीली चूँकि एक्सप्रेस नहीं होते तो ये रिकॉर्ड नहीं होते। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही है कि एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ मनी इन टर्म ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।